सतना के नागौद ब्लॉक ग्राम पंचायत आकोना साठी में समता मूलक उजागर समाज कल्याण विकास समिति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह रही तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दहिया द्वारा की गई। ग्रामीणों के बीच समता मूलक कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर रश्मि सिंह ने फीता काट और फूलमाला चढ़ाकर किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रश्मि सिंह ने बाबूलाल दहिया की नजीर पेश करते हुए समाज हित में काम करने की नसीहत दी। कहा कि जिस तरह बाबूलाल दहिया ने सरकार के पद्मश्री को ठुकरा दिया और लड़ाई लड़ी, उसी तरह समाज में आपको काम करना है। समता मूलक वो संस्था है जो आपके और समाज के हित में काम कर रही है। डॉक्टर रश्मि ने बताया कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटना है। उनके ऊपर फेंके हुए पत्थर से ही एक स्वच्छ समाज की नींव रखना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष बाबूलाल दहिया को इसका उदाहरण बताया। कहा, आपको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, चाहे सरकार के पक्ष के हों या सरकार के विपक्ष के हों, परिवार के हों या समाज के हों। समता विकास समिति को बधाई देते हुए कहा कि कार्यक्रम में जितने लोग हैं वो शेर हैं और किसी काम को करने के लिए शेरों की जरूरत पड़ती है, ढेरों की नहीं। शेर कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ पे जितने भी उपस्थित ग्रामवासी आए हैं वो शेर हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे काम के लिए शेरों की जरूरत पड़ती है, ढेरों की नहीं। तो ढेर घर में बैठे हैं, शेर सभी आए हैं। तो इन शेरों के साथ आपकी ये कमेटी जरूर जिला स्तर पे, मध्य प्रदेश स्तर पे जरूर आगे बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि समाज सेवा के मामले में, समाज सेवा के मामले में समता मूलक उजागर का समाज कल्याण समिति सतना जिले में नंबर एक में आने में कहीं पे भी कमी नहीं करेगी। आज जरूर मन में आता है कि ये छोटे छोटे युवा ये आए और बात करते हैं इसके गठन की, मन में आता है, लेकिन इस शुरुआत के साथ सभी ग्रामवासियों को कंधे से कंधे मिला के चलने की जरूरत, इनको हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। कम से कम हम इनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम उसका पीठ पीछे, जैसे गांव में चला तेरे अवे नए नए पैदा भय है और होशियारी दिखावत है, ये हमें इनसे ज्यादा बहुत से लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, चाहे वो सरकार के पक्ष के हो या सरकार के विपक्ष के हो, चाहे आपके परिवार के पक्ष के हो, चाहे आपके परिवार के विरोध के हो, चाहे आपके गांव के ही हो, चाहे वो दूर दराज के गांव के हो, आपको न्याय के लिए जरूर लड़ना पड़ेगा, कई विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। तो कमेटी के मेंबर को यही कहूंगी कि विपरीत परिस्थिति में कई लोग टूट जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में कई लोग टूट जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन वही लोग रिकॉर्ड बनाते और सफल होते हैं जो अपने ऊपर फेंके हुए पत्थर से अपनी नींव मजबूत करते हैं, अपनी नींव मजबूत करते हैं। आज ऐसे ही संघर्ष की जरूरत है, ऐसे ही साहस की जरूरत है। आपने तो आज ऐसे अतिथि को बुलाया है जिससे जीता जागता उदाहरण ही आपको मिलता है कि जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिले हुए अवार्ड को त्याग करके सतना जिले का इतना नाम रोशन कर दिया कि पद्मश्री अवार्ड लेके आया, लेकिन उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई की, अन्याय का कभी साथ नहीं दिया। इनसे भी सीखने की जरूरत है आपको।